हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। ठीक है, देखिए आरआरबी एनटीपीसी मतलब रेलवे ने आरआरबी एनटीपीसी 2016 में एग्ज़ाम लिया। ठीक है, उसके बाद आरआरबी लेवल वन यानी ग्रुप डी के लिए 2018 के लास्ट मंथ में यानी सितंबर अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम हुआ। फिर आरआरबी एएलपी के लिए भी एग्ज़ाम हुआ। ठीक है, और 2019 के जनवरी फरवरी में आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कॉन्स्टेबल और एसआई के लिए एग्ज़ाम हुआ। अगर मैं इनकी शिफ्टें काउंट करूँ टोटल तो 300 प्लस शिफ्ट थी। ठीक है ना, 300 प्लस शिफ्ट थी और हर पेपर में ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए थे। ठीक है, तो इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है जिसमें हम टॉपिक वाइज मैथ को सॉल्व करेंगे। जो रेलवे में मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उनको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और हमारा अब टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है। चलो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको 10th क्लास में जो त्रिकोणमिति पढ़ी थी आपने यानी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, आपको वो बेसिक फॉर्मूले याद हो। अगर नहीं है या फिर आपको इससे रिलेटेड ट्यूटोरियल चाहिए, लेक्चर चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है और ए बी का जो अनुपात है 2:1 है, तो हमें टेंजेंट ए और टेंजेंट बी की वैल्यू निकालनी है। देखिए इस पे ध्यान दीजिए, ए अनुपात बी, अनुपात को मैं बटे में भी लिख सकता हूँ, ए बटा बी बराबर है 2:1। ठीक है, अब मान लीजिए ए किसके बराबर है 2 के और बी किसके बराबर है 1 के। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, ए और बी का जो जोड़ है वो 90 डिग्री है। अब यहाँ से आप ए और बी का जोड़ निकालिए, 2 और 1 कितना होता है 3, और दिया क्या हुआ है 90 डिग्री। ठीक है ना, 90 डिग्री, तो 1 किसके बराबर होगा, 3 को 90 के डिवाइड में करिए 30 डिग्री आएगा। ठीक है, अब ए और बी जो हैं एंगल हैं उनके उनकी वैल्यू निकाल लीजिए, ए किसके बराबर था 2 के, ए अगर 2 के बराबर था और 1 बराबर है 30 डिग्री तो मतलब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। ठीक है ना, और बी की वैल्यू क्या आएगी 30 डिग्री। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू जो हमें टेंजेंट ए और बी का अनुपात निकालना है आप उसमें पुट कर दिए, टेंजेंट ए किसके बराबर है, टेंजेंट ए का मतलब है टेंजेंट 60 और इसका अनुपात टेंजेंट 30, ये टेंजेंट 30 है। ठीक है ना, टेंजेंट 60 किसके बराबर होता है √3 के और टेंजेंट 30 किसके बराबर होता है 1/√3 के। ठीक है ना, जब आप इनको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर रहेगा 3:1, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंजेंट 210 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वाड्रेंट होता है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है 0 से 90 और इसमें 90 से 180। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है तीसरे में 270 तक कोण होते हैं, 180 से 270 और यहाँ पे 360 तक। ठीक है ना, अब बात यहाँ टेंजेंट की हो रही है, टेंजेंट जो है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, टेंजेंट और कोटेंजेंट, ठीक है ना, टेंजेंट और कोटेंजेंट जो है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो टेंजेंट 210 को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेंजेंट 210 को मैं लिख सकता हूँ 180 + 30, राइट। 180 डिग्री पे नाम चेंज नहीं होता, वो एज इट इज़ रहता है, तो टेंजेंट था और अभी भी ये टेंजेंट ही है। टेंजेंट 180 + 30 किसके बराबर है, टेंजेंट 30 के, और ये वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव में पॉजिटिव ही रहेगी क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट स्टार्ट हो चुका है। 210 जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, ये जो दिया गया है थर्ड क्वाड्रेंट में आने की वजह से ये एज इट इज़ है, तो टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
कोटेंजेंट एक्स बराबर है 5/12। ठीक है, देखिए कोटेंजेंट होता क्या है, कोटेंजेंट एक्स को, कोटेंजेंट को हम बोलते हैं आधार यानी बेस बटे परपेंडिकुलर। ठीक है ना, बेस मतलब आधार, परपेंडिकुलर बटे मतलब लंब, किसके बराबर दिया गया है 5/12 के, यही दिया गया है। आप इसको कोटेंजेंट लिख लीजिए, कोटेंजेंट एक्स। ठीक है ना, तो बेस कितना दिया गया है 5 और परपेंडिकुलर कितना है 12। पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कीजिए, बेस कितना है 5 और परपेंडिकुलर कितना है 12। तो हाइपोटन्यूज यानी कर्ण कितना आएगा, 12 का स्केयर 144 होता है और 5 का स्केयर 25, 144 और 25 169, तो हमारा जो कर्ण आएगा 13 आएगा। ठीक है ना, अब हमें निकालना है साइन एक्स और कोस एक्स की वैल्यू। देखिए साइन एक्स और कोस एक्स हमें निकालना है, साइन एक्स किसके बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, जमा कोटेंजेंट एक्स हमें निकालना है, कोस एक्स है, कोटेंजेंट नहीं है, कोस एक्स, कोस एक्स निकालना है, कोस एक्स किसके बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 5 और कर्ण कितना है 13। आप इनको सोल्व कीजिए, बेस दोनों में बराबर हैं तो 17/13 इसका क्या आ जाएगा आंसर, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन करते हैं, साइन एक्स 4/5 दिया गया है। ठीक है, साइन एक्स 4/5, देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब मतलब परपेंडिकुलर और कर्ण मतलब हाइपोटन्यूज। ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कीजिए, मतलब ट्रायंगल निकालिए पाइथागोरस प्रमेय जिस पे अप्लाई हो, परपेंडिकुलर कितना है 4, हाइपोटन्यूज कितना है 5, तो यहाँ से आधार कैसे निकालोगे, 5 का स्केयर 25, 4 का स्केयर 16, 25 में से 16 गए 9, यानी यहाँ पे आएगा 3, राइट। अब क्या करिए, आपको निकालना क्या है, सीकेंट एक्स और साइन एक्स, सीकेंट एक्स का फॉर्मूला होता है 1/cos x, ठीक है, और साइन एक्स तो यहाँ पे था ही, ठीक है ना। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए, 1/cos x की वैल्यू क्या रहेगी, कोस एक्स किसके बराबर है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी आधार कितना है 3 और बटे कर्ण, गुणा साइन एक्स किसके बराबर है लंब बटे कर्ण, यानी लंब कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, तो इनको सोल्व करिए तो आंसर आएगा 25/12। ठीक है, तो 25/12 ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। पांचवा क्वेश्चन करते हैं, देखिए साइन बटे कोस किसके बराबर होता है, साइन बटे कोस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा होता है, और आगे क्या दिया गया है कोटेंजेंट थीटा, और नीचे क्या है कोसिकेंट थीटा दिया गया है। ठीक है ना, टेंजेंट और कोटेंजेंट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इनकी गुणा क्या रहेगी 1 के बराबर, 1/cosecant, कोसिकेंट, ठीक है ना, और 1/cosecant बराबर होता है साइन थीटा के, ये भी फॉर्मूला है, तो हमारा बी जो ऑप्शन है वो सही आंसर है। सारे फॉर्मूले 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उन्हीं के हैं। अब कोटेंजेंट 52 दिया गया है और हमें टेंजेंट 38 निकालना है। देखिए कोटेंजेंट का भी एक फॉर्मूला होता है, कोटेंजेंट थीटा बराबर होता है टेंजेंट 90-थीटा, राइट। अब थीटा की वैल्यू तो 52 दी गई है, यानी कोटेंजेंट 52 बराबर है टेंजेंट 90-52, ठीक है, तो कोटेंजेंट 52 बराबर टेंजेंट 90 में से 52 गए 38, तो हमें कोटेंजेंट 52 की वैल्यू क्या दी गई है बी, और हमें टेंजेंट 38 की निकाल दिया, तो टेंजेंट 38 की भी वैल्यू क्या रहेगी बी, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही आंसर है। सातवां क्वेश्चन करते हैं, साइन डी बराबर है 3/4, तो ट्रिग्नोमेट्री में साइन कितना दिया गया है, साइन डी 3/4 दिया गया है, तो साइन डी किसके बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब बराबर है 3 और कर्ण बराबर है 5, और पाइथागोरस प्रमेय से हमने बेस निकाल लिया 4,
तो अब आप इसकी वैल्यू निकालिए। देखिए साइन डी पूछा गया, साइन डी की तो 3/4 वैल्यू, 3/5 वैल्यू दी गई है, प्लस कोस डी की वैल्यू क्या रहेगी, कोस डी होता है आधार बटे करण यानी 4/5, इनका स्केयर करिए जोड़िए, 3 और 4 7, 7/5 इसका स्केयर यानी 49/25, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2 cos θ बराबर √3, तो कोस थीटा किसके बराबर आएगा, 2 को डिवाइड में लेके चले जाइए, √3 पहले था और 2 को इसके डिवाइड में लेके चला जाइए। देखिए कोस थीटा की वैल्यू √3/2 किस पे होती है, जब थीटा की वैल्यू 30 हो, तो एंगल का पता चल गया कि एंगल कितना है, 30 है, तो अब इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, कोस 30 बराबर है गुणा टेंजेंट 30, राइट, कोस 30 किसके बराबर है √3/2 और टेंजेंट 3 किस टेंजेंट 30 किसके बराबर है 1/√3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 क्या है आंसर, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नौवां क्वेश्चन करते हैं, साइन थीटा 5/13 दिया गया है, ठीक है ना, तो पाइथागोरस पर में अप्लाई करके सारी साइड निकालिए ट्रायंगल की, साइन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे करण, लंब कितना दिया गया है 5 और करण कितना दिया गया है 13, तो आधार कितना आएगा 12, पाइथागोरस प्रमेय से निकाला है, अभी मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, तो हमें कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे करण, ठीक है ना, तो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 12/13, तो हमारा ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसिकेंट स्केयर ए गुणा कोस स्केयर ए की वैल्यू निकालिए, ठीक है ना, अब कोसिकेंट स्केयर ए जो ये है वो किसके बराबर होता है, 1/sin स्केयर ए, ठीक है ना, और गुणा में क्या दिया गया है, कोस स्केयर ए, ठीक है, कोस बटे साइन किसके बराबर होता है, टेंजेंट के, कोटेंजेंट के, कोटेंजेंट ए, और चूंकि दोनों के ऊपर स्केयर है तो यहाँ पर भी स्केयर आ जाएगा, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। थैंक यू।